शिमला ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत आने वाले घनाटी के समीप ग्राम पंचायत देवनगर में संघर्षमयी समिति शिमला द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय विधायक विक्रमादित्य सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे और देवदार का पौधा रोपित कर विक्रमादित्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए समय समय पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पौधारोपण किया जाता है। इसी के चलते शिमला ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत आने वाले घनाटी के समीप ग्राम पंचायत देवनगर में संघर्षमयी समिति शिमला द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय विधायक विक्रमादित्य सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे और सबसे पहले देवदार का पौधा रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर यहां विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पौधे रोपित किए गए। इस दौरान शिमला ग्रामीण विधानसभा के विधायक ने आम जनमानस से अपने आसपास पौधे लगाने की अपील की ताकि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखा जा सके। निश्चित तौर से आजकल बरसातों का मौसम है और हम कोशिश करते हैं कि हर जो छुट्टी का दिन है उस दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग पंचायत में जाकर पौधारोपण कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिस तरीके से और पूरे विश्व में इसका प्रकोप हमको देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने विधानसभा में प्रदेश के बागवानों के ऊपर चर्चा करी, उसमें भी जो नुकसान प्रदेश के बागवानों को हो रहा है और जो सीज़न शिफ्ट हो रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है आर्थिक लाभ भी हो रहा, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और ओवरऑल जो प्रदेश का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको भी भारी नुकसान हमको देखने को मिल रहा है। इसके चलते यहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जितने भी हमारे यहाँ के NGOs हैं, महिला मंडल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, युवा मंडल्स है, उनको जागरूक करें और जो भी इस तरह के कार्यक्रम करता है उनका प्रोत्साहन करें ताकि हम इन्वायरमेंट को बचाने में, उसे जो है साफ रखने में अपना योगदान दे सकें। और उसी के चलते आज हमने इस तरीके का कार्यक्रम जो है देवनगर पंचायत में किया है। कुछ दिन पहले हमने जो 7 लगती शकरा पंचायत थी वहाँ पे किया था और इसके पहले भी कई अलग अलग पंचायतों में हम जाकर इस तरीके का कार्यक्रम जो है वो करते रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। वहीं इस मौके पर स्थानीय पंचायत प्रधान और संघर्षमयी समिति की सचिव ने भी कार्यक्रम को लेकर अपने विचार साझा किए। आज का जो कार्यक्रम था ये पौधारोपण का कार्यक्रम था, NGO के द्वारा रखा गया यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर प्लेस है और काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट भी है और जितना इधर पेड़ पौधा जो लगता है वो मिस भी नहीं होता, बहुत कम ही ऐसा होता है जो सफल होता है। तो ये जगह खुला प्लेस है इसलिए यहाँ पे NGO के माध्यम से वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा गया, हर वर्ष रखा जाता है। इस बार जो विधायक जी को इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया तो इससे लोगों की समस्या भी लोगों से मिल गए और लोग इस समस्या का निदान हो। जिम्मेदारी स्थानीय लोग लेते हैं जी। हमारा यहाँ पे तो ये तो जो पौधा लगाया ये तो बिल्कुल पंचायत कार्यालय के सामने ही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पौधा हमारा जो है आप नेक्स्ट ईयर भी देख सकते हैं, बढ़िया से लगेगा। सबसे पहले तो मैं जो हमारे आज का जो संघर्षमयी समिति शिमला का जो ये आज हमने पौधारोपण का जो ये कार्यक्रम हमने यहाँ पे आयोजित किया था, इसका सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि हम अपने वनों को बचाएं, पेड़ों का संरक्षण करें और लोगों को जागरूक करें कि पेड़ जो है हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। और दूसरा, मैं पंचायत समिति सदस्या भी हूँ यहाँ से, मूलबरी देवनगर और घनाटी पंचायत से। तो मेरा मतलब लोगों से हमने जब आज के इस पौधारोपण कार्यक्रम के लिए बात की तो लोगों ने सबने कहा कि हमें मतलब काफ़ी टाइम से हमसे वो आग्रह कर रहे थे कि हमारे विधायक महोदय को यहाँ बुलाइए, एक प्रोग्राम करिए, क्योंकि आजकल जो ये कोरोना का टाइम चला हुआ है यहाँ पे आजकल सभी लोगों का विधायक के पास जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमें वो विधायक जी, हमारे विधायक जी हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, हमें हमेशा निर्देशित करते रहते हैं कि आप इस तरह के सोशल वर्क करिए और उनका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहता है। तो जिसके चलते हमने फिर ये प्रोग्राम आज का बनाया और जिससे आप सभी ने देखा, सभी लोगों ने देखा कि यहाँ के महिला मंडल, सभी महिला मंडलों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और विधायक महोदय ने सारी समस्याएँ सभी लोगों की सुनी, बड़े गौर से सुनी। और ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।